नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में क्रिकेट से ज्यादा इंग्लैंड का मौसम चर्चा में बना हुआ। फैंस किसी भी मुकाबले से पहले टीमों की ताकत नहीं, मौसम की भविष्यवाणी सर्च कर रहे हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में अब तक कुल 4 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं और ऐसा ही खतरा अगले 3 मैचों पर भी बना हुआ है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में बारिश रंग में भंग डाल सकती है। रविवार को मैनचेस्टर में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ने वाली हैं, जहां का मौसम खराब बताया जा रहा है। एक्यू वेदर की माने तो रविवार को मैनचेस्टर में बारिश के 75% आसार है। मैनचेस्टर में सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ऐसे में 2 रास्ते हैं। पहला, मैच होगा लेकिन उसे बीच बीच में रोकना पड़ेगा। दूसरा, मैच रद्द करना पड़ सकता है। एक्यू वेदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनचेस्टर में 16 जून को दिन भर बादल छाए रहेंगे। सुबह 9 बजे, 11 बजे और दिन में 3 बजे बारिश की आशंका है। अगर इस अनुमान की माने तो मैच शुरू होने में थोड़ी देर होगी और फिर बीच बीच में बारिश मैच में अड़ंगा डालेगी। बुरी खबर ये भी है कि जून में अब तक इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बारिश मैनचेस्टर शहर में ही हुई है। इस महीने मैनचेस्टर में 71 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि कार्डिफ में 64 और टॉन्टन में 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। धूप खिलेगी नहीं तो ऐसे में मैदान कैसे सूखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।